उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। 10वीं में 89.55% और 12वीं में 82.60% बच्चे सफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का परिणाम में प्रदेश की टॉप 10 सूची में इस बार अमरोहा भी शामिल होने में सफल रहा है। 12वीं की परीक्षा में सलेमपुर गोसाई गांव के राम शरण दास इंटर कॉलेज की छात्रा काजल सिंह ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करके जनपद का नाम रोशन कर दिया है। काजल बछरायू थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनके पिता सरकारी अध्यापक हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में अमरोहा जनपद की छात्रा काजल सिंह ने 500 में से 488 अंक हासिल किए हैं। काजल सिंह गजरौला क्षेत्र के गांव सुलेमपुर में स्थित रामशरण दास इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में 97.60% अंक पाकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। काजल ने हिंदी में 97, अंग्रेजी में 96, फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 99 और गणित में भी 99 अंक हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा काजल सिंह ने बताया कि कड़ी मेहनत और लगन से ही ये सब संभव हो पाया है। जो है पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करे, सोशल मीडिया का कम यूज करे और एक टाइम बांध ले कि हमें इतने में ही सोशल मीडिया का यूज करना और अच्छी बातों के लिए सोशल मीडिया का यूज करे और ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ाई पर फोकस करें। आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स इतना आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिए जरूर। इस माहौल में जैसे कि आपने स्थान प्राप्त किया है तो लिए जो श्रेय है वो किसे देना चाहते हैं? अपने गार्जियंस को और अपने सारे टीचर्स को। आगे चल के क्या करने का मन है? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो क्या संदेश देना चाहती हैं उन स्टूडेंट्स को जो ये बहानेबाजी करते हैं कि भाई पढ़ाई करो जो आगे बढ़ पाते, आप यूपी बोर्ड से आगे बढ़े, क्या संदेश है? मतलब ये रहना चाहिए कि अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। इस कहने में तो आसान है पर ऐसा होता नहीं है, पर अपना आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि एक सप्ताह के लिए अपना आपको चेक करो एक सप्ताह के बाद कि हमने कितना कवर किया कितना नहीं किया। और फिर टीचर्स इतने अच्छे रहते हैं कि उसमें अगर हम कहीं भी पीछे जा रहे होते तो टीचर्स बोलते कि तुम जो मेहनत नहीं कर रहे हो मेहनत करो अगर आगे जाना है तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर बच्चा चाहे तो टीचर्स का इतना सपोर्ट रहता है कि वो अपने आप को मेहनत करके आगे बढ़ सकते। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक जो गार्जियंस है एक पिता होने के नाते मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत की और जो मेरा सपना था कि यूपी में आए कम से कम तो उसको इसने पूरा किया। मैं बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। कैसे आपने अपनी बच्ची को जो है इतना आगे बढ़ाया, क्या किया उसके लिए जो इतना वो मतलब आज नाम रोशन कर पा रही है? सर देखिए ऐसा है, जब मैं इसको पढ़ाता था तो मेरा प्रयास ये रहता था कि यह किताब में वह प्रश्नों को ढूंढे कि जो इससे नाते हों। जो हल्के प्रश्न होते हैं उनको तो बच्चा कभी भी कर लेता है, लेकिन यदि हम हार्ड प्रश्नों पर अपना फोकस करेंगे जो कठिन प्रश्न है तो उसको फोकस करने के बाद जो है हम उसको सोल्व कर ले जाएंगे तो ताकि हमें आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और हम टेस्ट जो रखें उसके तो टेस्टों को हमें सोल्व करते रहना चाहिए और यदि हम टेस्ट पर लगातार अपनी पकड़ बनाए रखेंगे और उस टेस्ट में हमारी जो कमी हुई है उन कमियों को हम जो दूर करेंगे तो उससे हमें सफलता मिलेगी। आखिरी सवाल यह है कि अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश है? मैं अन्य बच्चों के लिए यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी बच्चे एक मन एक चित होकर के अपने सिलेबस पर फोकस बनाए रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें और जो उनके अध्यापक जो दिशा अध्यापक उनको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं पर डे उस पर वो अपना फोकस बनाए रखें और उसको जो है पर डे याद करके चलें। यदि वो नहीं करेंगे ऐसा तो उनके लिए लक्ष्य पाना एक कठिन हो जाएगा।